वैश्विक महामारी कोरोना वायरस काफी तेज गति से अपना संक्रमण फैला रहा है। खासकर मधुबनी जिले में यह भयावह रूप ले लिया है। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बावजूद आज बाजार में बिना मास्क लगाए लोग बेखौफ घूमते नजर आए, जबकि पुलिस प्रशासन बिना मास्क वालों से जुर्माना भी वसूल रही है। उधर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। पॉजिटिव मिलने वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 3 किलोमीटर की परिधि को सील करने की प्रक्रिया है, जिसमें मधवापुर प्रशासन लापरवाही बरत रही है। पॉजिटिव के 2 दिन बाद भी इलाके को सील नहीं किया गया है और लोग बेखौफ होकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। पॉजिटिव दोनों लोग लगातार बाजार के कई होटल व दुकान में गया था, जिससे साहर घाट में कोरोना वायरस का बड़ा विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल साहर घाट के लोग भगवान भरोसे हैं और अगर संक्रमण फैला तो संक्रमित का आंकड़ा सैकड़ों में जा सकता है। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए किस तरह से साहर घाट में जो है कंटेनमेंट जोन है, क्या प्रशासन की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है सर, यहाँ वैसे ही जहाँ कोरोना पॉजिटिव है वहाँ उस जगह उस तरह खुला है, उस तरह पब्लिक आ रहा है जा रहा है, उनका घर भी वैसे ही है, कोई नहीं है। दवा दुकान है वहाँ अगल बगल में, वो भी दवा व्यवसायी थे, वैसे ही रखा हुआ है। इस तरह का भी जानकारी मिला है कि आजू बाजू के जो होटल है उस होटल में लड़का आया था? हाँ आता था, इस चौक पे बराबर आता था, हर किसी के पास जाता था, लोकल है तो इसी के लिए वो हर किसी के संपर्क में था, लेकिन प्रशासन इस पर कोई काम नहीं किया है। वही कि इस पर देखा जाए, आगे कार्रवाई किया जाए या जांच चलाया जाए, वहाँ घेराबंदी किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले आपको मधुबनी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, आपने जो जनता के हित में ये संवाद का काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और बताना चाहूँगा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि लाख चेतावनी के बावजूद भी जहाँ सरकार का करोड़ों रुपया प्रचार पर खर्च हुआ, उस चीज़ की जनता द्वारा पालन नहीं की जा रही है। और अफसोस है कि साहर घाट में भी 2 केस, वो भी मेडिकल जो हमारे केमिस्ट हैं उनका पॉजिटिव पाना बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि एक केमिस्ट का लिंक बहुत जगह से जुड़ा होता है। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो दवा खरीदते हैं और फिर वो घर को लौटते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें लॉकडाउन को पुनः मार्केट में लागू करना चाहिए, और लॉकडाउन ही नहीं बल्कि सील करना चाहिए, ताकि आम लोग यहाँ पर आन जान पर अपना परहेज रखें। दूसरी बात है कि उन जो भी संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं उनके घर के और भी सदस्यों को भी जांच होनी चाहिए, साथ ही उन लोगों से केस हिस्ट्री भी लेना चाहिए कि उनके संपर्क में और भी लोग तो नहीं आए हैं। तो बहुत मैं अफसोस प्रकट कर रहा हूँ कि प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं या SDO साहब हैं, उन लोगों को भी इसमें पहल करनी चाहिए, ताकि और भी लोग कम से कम संक्रमण होने से बच सकें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि अभी 200 में कन्वर्ट हो सकता है। सभी आम जनताओं से अपील है, निवेदन है कि वो लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी पे, हम किसी पे ना इंतज़ार ना करके अपनी अपनी जिम्मेवारी पे मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा अनिवार्य है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम लोग करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो संक्रमण होने से बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है। इसीलिए मैं प्रशासनिक तौर पर प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम जो हो गया है उसे तो अब इलाज की ज़रूरत है, और कम से कम स्वस्थ आदमी बीमार ना पड़े, उसके लिए अपनी ओर से पहल को जल्द से जल्द वो करें।